जो मैंने ये 8 साल हो गए अपना छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करके कचरा कुंडी से लकड़ी उठाई, यहाँ से लकड़ी उठाई, वहाँ से उठा के तकरीबन 3 हफ्तों में मैंने ये घर तैयार किया। और जो मेरी दिल की ख्वाहिशें थी, मैं अपने घर में ये लगाऊंगा, वो लगाऊंगा, अपने जाती घर में, घर तो अपना ना हो सका दरख्त में बना लिया, फिर भी अल्लाह का शुक्र है उसमें मैंने पर्दे लगाए, वॉश बेसन लगाया, चूल्हा रखा, मटके रखे, अल्लाह का शुक्र है मैंने सारा काम किया। मेरा नाम फरमान अली है और मैं ज़िला शिकारपुर का हूँ, तालका खानपुर, गांव का नाम है मियाँ जुगोर। मैं यहाँ तकरीबन 8 साल से रह रहा हूँ इस दरख्त के ऊपर और अपना यहीं छोटे मोटे काम कर कर गुजारा कर रहा हूँ। बुरे गर्मियाँ जब आती हैं तो गर्म गर्म हवाएं चलती है, ये इस घर में ये तकलीफ है, सुकून भी है, जब हवा चलती है तो सुकून से दिन गुजर भी जाते हैं। जब गर्मियाँ, अब जैसे रमज़ान के महीने शुरू हो गए, रोज़े रखते हैं ना, तो गरम गरम रूहें चलती हैं, जो हवा चलती है ना तो वो तकलीफ से होती है, बारिशें आती है तो पूरा गीला हो जाता है, फिर धूप निकलने का इंतज़ार करता हूँ कब धूप निकले और कब मैंने बिस्तरे सूखें, बस इस तरह ही दुख सुख से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ मैं अपनी। मैं काम करता हूँ, गाड़ियाँ वगैरह इधर साफ़ करता हूँ, छोटे मोटे लोगों के घरों के काम करता हूँ, और वो काम करने के बाद नहा धो के मस्जिद में नहाने चला जाता हूँ, वॉशरूम वगैरह उतर जाता हूँ, वहाँ फिर जाके बस यहाँ पे आके सो जाता हूँ। बिजली का किया है, सामने एक घर है उधर से मैंने बिजली ली, एक चार्जर में कितनी बिजली खर्च होती है, एक चार्जर लगाता हूँ, एक बल्ब लगाता हूँ, वो भी शेरी में जब रोज़ा वगैरह रखना होता है तब जलाता हूँ, नहीं तो 24 घंटे बंद ही रहता है। मोबाइल में तो चार्जिंग 1 घंटे के लिए हो जाती है, उसके बाद बस। और ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ का कोई ये कराची का ट्रीमैन कहते हैं, कोई कराची का टार्जन कहते हैं, कोई अब बच्चे, कभी कभी बच्चे भी कह देते हैं कि ये दरख्त पे रहने वाला बंदर, बहुत सारी बातें करते हैं। खैर मुझे इन चीज़ों का बुरा नहीं लगता है,